इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जिस तरीके से ऐलान जंग के बाद अब उसका असर भी देखा जा रहा है, मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज ने बाजार में ट्रेडिंग रोक दी है। हर तरीके से मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज ने सभी बाजार में अपनी ट्रेडिंग रोकी। इसका असर अब देखिए किस तरह से हो रहा है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन में रूसी सेना दाखिल हो चुकी है और अब वहां पर जो हालात हैं वो बदतर बने हुए हैं। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज ने अपने सभी बाजार में ट्रेडिंग को फिलहाल रोक दिया है और अब यहां पर हालात मुश्किल होते जा रहे हैं क्योंकि धमाकों की आवाज भी लगातार सुनाई दे रही है। लगातार धमाकों की आवाज सुबह से सुनाई दे रही है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ग्राउंड जीरो पर हैं, वो भी इन धमाकों के बीच वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस बीच कीव के मेयर ने अपील की है लोगों से कि वो घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव की, जहां पर सुबह से लगातार धमाके हो रहे हैं। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमले की घोषणा की उसके बाद से ये धमाके कीव में, खरखाव में, मरियोपोल में और ओडिशा में सुनाई देने लगे। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कीव से लोग बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया है। सड़क पर आप देख सकते हो वाहनों की लंबी कतार एक तरफ दिखाई दे रही है। ये लोग युद्ध की आशंका के मद्देनजर कीव छोड़कर, यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़कर भाग रहे हैं। हालांकि रूस ने साफ कर दिया है कि वो जो हमले है वो बहुत ही हाई प्रिसिशन वेपन से कर रहा है, यानी कि टारगेटेड हमले कर रहा है, आम नागरिकों को, सिविलियंस को टारगेट नहीं करेगा। लेकिन युद्ध में अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में कीव के नागरिक छोड़ के कीव शहर को, कीव से बाहर भाग रहे हैं। और चलिए जिस तरीके से ये तस्वीरें, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।